हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, मैं हूं रईस और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, आज ये मेरे ये बर्ड का जो है नौवां दिन है और मैंने जो है सातवें दिन के बाद से हमने वीडियोस वगैरह नहीं बनाया था, तो इस पे जो है हम मैनेजमेंट वगैरह कैसे कर रहे हैं और अब तक इनका मोर्टालिटी कितना हुआ और अब तक ये बर्ड जो है कितना वेट का हुआ है, तो आज जो है दोस्तों मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ पे जो है दोस्तों आराम से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम सातवें दिन से शुरू करते हैं और वैक्सीनेशन वाला वीडियो हमने आपको दिया है, वो शायद आपने देखा हो या फिर नहीं देखा हो। अगर जो भाई नहीं देखे हैं तो मैं वहाँ पे जो है कॉर्नर में आई बटन में जो है मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो मैंने वैक्सीन जो है किया था इनको जो है मॉर्निंग में ही, सातवें दिन के मॉर्निंग में ही, और मैं छठे दिन के शाम में ही इनको जो है ये अपना जो है बड़ा वाला ड्रिंकर टोटली लगा दिया था। और उसके बाद मैं जगह जो है, हाँ, जितना जगह इनको चाहिए होता है उतना जगह मैं दो तीन दिन में जो है गैप गैप करके जो है इनका जगह बढ़ा रहा हूँ। और बाकी मैनेजमेंट वगैरह दोस्तों कुछ खास नहीं है, बस वही खाली चल रहा है। और अगर हम बात करें मेडिसिन वगैरह की, पहले मैनेजमेंट आप देख लीजिए, अभी लगभग 5 बज रहे हैं शाम के और अभी पर्दा ये जो है आपका उत्तर साइड है तो पर्दा एकदम टोटली डाउन है और ये दक्षिण साइड है तो यहाँ से हल्का हल्का उठा है, क्योंकि हल्का सा मतलब इधर से हवा आ रहा है तो मैंने हल्का सा ऊपर करके रखा हुआ है और वो पश्चिम साइड है तो वहाँ से पूरा का पूरा पैक है। और इधर जो है कि ये पूरब साइड है तो यहाँ पे गेट हमारा दिख रहा होगा आपको, तो ऐसा ही खुला हुआ है तो अभी ये पैक हो जाएगा तो थोड़ा सा ये दरवाजे के ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा खुला रहेगा तो वहाँ से भी ये पर्दे वगैरह का मैनेजमेंट ऐसा ही हो रहा है। और अगर हम बात करें मेडिसिन की दोस्तों, तो मेडिसिन हम जब वैक्सीनेशन किए थे सातवें दिन के सुबह में, उसके बाद मैंने सातवें दिन एकदम जो है नॉर्मल पानी, एकदम सादा पानी दिया और रात में भी सादा पानी ही दिया। और उसके बाद आठवें दिन से मैंने जो है दिया है इनको कालगोफास और एक है बी कॉम्प्लेक्स वेंट्रीप्लेक्स, तो यही दोनों मेडिसिन हम चला रहे हैं क्योंकि इनका पैर वगैरह थोड़ा सा मजबूत हो जाए और फिर इनको कैल्शियम वगैरह की कोई शिकायत ना रहे, तो इसीलिए हमने जो है, हाँ, मतलब उनको जो है प्रिवेंशन के तौर पे ये सब किया हूँ। और बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा चूज़ा जो है बहुत बढ़िया है और रात के पानी में दोस्तों, और आठवें दिन के सुबह में मैं वही दिया था वेंट्रीप्लेक्स और ये अपना कॉलगोफास, और दोपहर में सादा पानी दिया और रात में मैं लीवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर दिया था। और नौवें दिन की बात करें तो सेम आज वही जो है अपना चला है वेंट्रीप्लेक्स और जो है कॉलगोफास, और दोपहर में अभी ये सादा पानी ही चल रहा है और शाम को मैं वही फिर से जो है लीवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर देने वाला हूँ। और अगर हम बात करें इनकी मोर्टालिटी वगैरह की, तो मोर्टालिटी दोस्तों वैक्सीनेशन करने के बाद जो है सातवें दिन के बाद से जो है मोर्टालिटी एकदम जो है रुक गई है, और इसके पहले अभी तक जो है इनमें से लगभग कितना मरा है, 69 पीस टोटल जो है इसमें से मर गया है। और अभी दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं वन बाय वन करके ऐसा दिखा देता हूं आपको, तो अभी मतलब चूज़ा आपको, हाँ, दिखने में ही लग रहा होगा कि हेल्दी है, अभी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी सब कुछ जो है बढ़िया चल रहा है। और फीडर वगैरह तो आप देख ही रहे हैं, मैंने टोटल जो है बड़ा वाला लगा दिया है और ड्रिंकर भी बड़ा लगा दिया है। और यहाँ का मैं टेम्परेचर आपको दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड, थर्टी फोर डिग्री सेल्सियस है, तो मैनेजमेंट वगैरह भी काफ़ी सही है इस बार। और इसके बाद मैं आपको जो है लाइव वेट करके दिखा दे रहा हूँ, अभी जो है ये 9 दिन का हुआ मेरा बर्ड, तो एक पीस जो है अभी कितने वज़न का हुआ है, कितना, ये कितने ग्राम का एक बर्ड हुआ है,
तो फटाफट का काटा ऑन करिए भाई, एक सेकंड। हाँ यहाँ पे 0-0 हो गया, लाइए -150। हाँ ठीक है, रख दीजिए वहाँ पे 0। ठीक है लाइए। ₹150। एक चूजा जो है 150 ग्राम का है। और ये कांड, हाँ, और ये जो है ना, ये वेट मशीन हमारा अगर 49 ग्राम रहेगा, 49.5 ग्राम रहेगा तो नहीं बताता है, 50 ग्राम से प्लस रहेगा, 51 ग्राम रहेगा तो 50 ग्राम बता देता है, और अगर 49 ग्राम रहेगा तो वो 0 बताता है। ये भी रख दीजिए, 2 पीस जो है 350 ग्राम हो रहा है, 3 पीस 550। एक और लाइए, सात सौ। अच्छा डिवाइड करिए कितना हो रहा है, 175 ग्राम इनका है जो है, अरे पर्ड बर्ड पक का इनका ये वेट जो है 175 ग्राम है। फिर से जो है दूसरा, हाँ दूसरा बर्ड जो है वज़न करने वाले हैं, तो वो भी आप देख लीजिए, 150, 400, 800 ग्राम आ रहा है। तो इनका जो है अभी जो है वज़न कम है दोस्तों, अब इन जो है एक 700 ग्राम था और ये जो है 800 ग्राम है, तो दोनों को जो है हम ये प्लस करके डिवाइड करते हैं। तो एक सेकेंड, 7.8, ये 1.5 kg हो रहा है, 1 किलो 500 ग्राम हो रहा है, और डिवाइड कर रहे हैं हम 8 पीस से, तो 187 ग्राम इनका पर बर्ड का इनका वेट है। तो ये बहुत बैड है दोस्तों, और अब तक जो है इनका होना चाहिए था 239 ग्राम, 239 ग्राम, 200 239 -187, तो 52 ग्राम जो है पीछे चल रहा है ये बर्ड, जो कि ख़राब बात है दोस्तों। और आप लोगों ने तो स्टार्टिंग में मेरा चूज़ा वगैरह देखा है किस कंडीशन में था, कितनी बुरी हालात थी, कि मतलब हाँ हमें भी ऐसा लग रहा था कि आधा चूज़ा मर जाएंगे, लेकिन फिर भी ठीक था, और अभी सब कुछ मैनेज हो गया है। तो हमें लगता है कि मतलब अगले हफ्ते में जो है इनका वेट भी नॉर्मल हो जाएगा। तो बस दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।